एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। ऑस्वर्ड प्रोसेस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। होता क्या है कि 4NH3 ये इक्वेशन है प्लस 5O2 प्लैटिनियम कैटलेस 4NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस 6H2। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि मोल्स तो चार हैं अमोनिया के, 5 मोल ऑक्सीजन के, लेकिन बाय वॉल्यूम एक पार्ट किसका होता है अमोनिया का और 8 पार्ट किसके होते हैं एयर। दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब एक मोनोऑक्साइड गैस में हम O2 मिलाते हैं तो हमेशा बनती है डाइऑक्साइड गैस। यानी अगर यहाँ CO होता, 2CO होता प्लस O2 तो 2CO2 बनता, 2SO होता प्लस O2 होता तो 2SO2 बनता। यानी कोई भी मोनोऑक्साइड गैस में से डाइऑक्साइड बनानी हो तो यही सेम इक्वेशन होगा। फिर जनाब अगला काम क्या होगा, इस NO2 में हम वाटर यानी मम्मा मानी मिला देंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब अभी भी नाइट्रिक एसिड 68% प्योर होता है, तो फिर प्योर करने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम इसको प्योर करते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड आपके डोमेस्टिक यूज़ में सबसे बड़ा आसान यूज़ क्या है, टेस्ट ट्यूब साफ करते हैं नाइट्रिक एसिड की मदद से, स्मोकलेस गन पाउडर भी बनता है नाइट्रिक एसिड से, और फर्टिलाइजर्स में बहुत यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड।